मतलब सारे बोलते हैं वीडियो बनावत है, वीडियो बनावत है, कुछ हो ही नहीं, ऐसे अच्छा सिलाई सीख लेती, सिलाई सीख लेती तब दो पैसा कमाइबो करती, वीडियो बना के का होई, वीडियो बना से कुछ ना हो, खाली वीडियो बनावत है, लेकिन एक को पैसा मिली उली ना, अब एक को पैसा मिले चाहे जिन मिले, हम वीडियो बनावत हैं तब बनाई, अब क्यों तकलीफ होता तो हवल करे, एक को पैसा मिली तब हम ऐसे जियब, ना मिली तब हम ऐसे जियब, ऐसे दीदी बन। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और देख सकते हैं फ्रेंड, अभी काम वम करके रेडी हो चुकी हैं, जो कि बिट्टू को रेडी करके फ्रेंड स्कूल भेज दी हूँ, बाबू बाहर खेल रहा है, तब तक मैं दो चार शॉर्ट वीडियो शूट कर चुकी हूँ। फ्रेंड अभी चलती हूँ, जो कि बर्तन उतन पड़े हैं, नहीं धोई हूँ, तो चलती हूँ, माजूंगी और खाना पीना खाऊंगी फ्रेंड, उसके बाद ब्लॉग शूट करूंगी। तो फ्रेंड आप लोग देखिएगा ज़रूर, और चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड हमें भी सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता फ्रेंड। आप लोग कंजूसी बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब लाइक कर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइब लाइक ही हमारे मेहनत का फल है फ्रेंड। इतना मेहनत करती हूँ फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, जो रियलिटी बनाती हूँ फ्रेंड आप लोग बस क्या ही बताऊँ, आप लोग उन्हीं को बस सपोर्ट करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, हम जैसे इतना मेहनत करते हैं आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोग छोटे क्रिएटर को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, बस बड़े यूट्यूबर को ही आप लोग बार बार उनकी वीडियो देखते हैं, और हम जैसे को वीडियो बस स्क्रॉल कर देते हैं, तुम लोग के वीडियो हमारे कांटा चुभल इलाका ना देख लो, बस ऐसी मुँह बना रही हूँ आप लोग की मर्जी। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो खुल वॉच करना, तो फ्रेंड ब्लॉग बोरिंग नहीं हो जाए इसीलिए मुँह टेढ़ा कर दी, तो आप लोग गलत मत समझिएगा, और जिनको भी बुरा लगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो फ्रेंड जैसे कि ब्लॉग में आप लोग को पता ही है, चलती पहले फ्रेंड्स खाना खाने, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में खाना नहीं खाएंगी, चलती पहले खाना खाऊंगी, क्योंकि वीडियो बना के ही क्या करूंगी अगर शरीर ही नहीं रहेगा मेरा, तो चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए। लोगों को इतनी जलन की होती है मुझसे, मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ तो उनको तकलीफ़ होती है, नहीं बनाती हूँ तो तकलीफ़ होती है, तो उनकी प्रॉब्लम है ना, वो अपने आप को सुधारे भाई। और जिनको भी हमारे वीडियो बनाने से तकलीफ़ होती है, उनको गलत लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना किनको लगता है, ताकि मुझे भी तो पता चले, ऐसे पीठ पीछे कुछ भी करेंगे तो बोलेंगे तो कैसे मुझे पता चलेगा, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं से लोगों से पता चलता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ किनको तकलीफ़ है अब, क्योंकि अपने आप में ही जल जल के आप राख हो जाओगे, तो प्लीज़ हमें बताओ ताकि हम आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकें। मैं कई बार ब्लॉग बना चुकी हूँ और उसमें बता चुकी हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम सही तरीके से बस करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मैं भूखी मर रही हूँ, या मेरे पास पहनने के लिए या खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि मेरा टाइम पास हो जाए। और लोग क्या करते हैं जिनके पास, मैं तो बस इतना जानती हूँ आजकल किसी से किसी के पास बैठने उठने लायक नहीं है, क्योंकि गांव हो या शहर हो फ्रेंड्स, मैं सच्ची जो भी बात बोलती हूँ सच बोलती हूँ, इसी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं बैठ के आप लोग से बताती हूँ, फिर मैं खाना खाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत फहमी हो रही है, तो उनके चाहती हूँ कि गलत फहमी दूर हो जाए। देखिए मेरे पति 1 रुपया कमाएंगे, कमाए चाहे 2 रुपये कमाए, और मेरा अच्छे से पेट भर लेंगे और अपने परिवार को भी जिया खिया लेंगे, मेरा कहने का ये मतलब है। मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ बेहतर है, अपने बच्चों लोग को भी देख सकती हूँ, अपने घर का काम भी कर सकती हूँ और वीडियो भी बना सकती हूँ, बिना कहीं गए आए, बिना बाहर कोई काम किए। किसी का मजदूरी करने से अच्छा है कि अपना खुद का कुछ करो, खुद का करेंगे फ्रेंड, किसी का गुलामी करने से तो मुझे लाख गुना बेहतर लगता है कि कुछ करो, अपने मन से करो और अपने परिवार के खातिर करो। अपने परिवार के लिए करना चाहती हूँ मैं, अपने बच्चों के लिए। किसी की गुलामी करने से तो लाख गुना बेहतर है कि अपना कुछ करो, और किसी को बुरा लगता है तो उनकी प्रॉब्लम है ना, वो कुछ कर नहीं सकते हैं तो चाहते भी नहीं हैं कि सामने वाला कुछ कर सके। और मैं तो इतना जानती हूँ आजकल किसी के पास बैठने लायक भी नहीं है, अगर किसी से आप प्यार से बातें करोगे ना तो भी उसको उल्टा ही लगेगा, इसीलिए किसी से ज़्यादा बात व्यवहार नहीं करते हुए मैं अपना काम करती हूँ और अपने बच्चों लोगों को देखती हूँ, अपना परिवार देखती हूँ। इस तभी भी लोगों को पता नहीं क्यों दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है, तकलीफ़ होती है, तो होने दीजिए उनकी प्रॉब्लम है। अगर आप आजकल किसी से बात कर दोगे ना तो भी उसको लगेगा कि अरे देखो
क्योंकि ज़्यादातर लोग बस दुनिया भर की बातें करते हैं। कोई अच्छी चीज़ रहेगी तो दूर दूर तक नहीं फैलेगी, कोई बुरी बात रहेगी तो बिना बात किए ही दूर तक फैल जाएगी। जैसे और मुझे इस बात की भी तकलीफ़ नहीं, मैं बहुत लोग सारे बोलते हैं वीडियो बनावा थे ही, वीडियो बनावा थे, कुछ हो ही ना ही, ऐसे अच्छा सिलाई सीख लेती, सिलाई सीख लेती तब दो पैसा कमाइबो करती, वीडियो बना के क्या हुई, वीडियो बना से कुछ ना हो, खाली वीडियो बनावा थे लेकिन आपको पैसा मिली उली ना। अब एक को पैसा मिले चाहे जिन मिले, हम वीडियो बनावा थे तब बनाए, अब क्यों तकलीफ होता तो हवल करें। एक को पैसा मिली तब वो हम ऐसे जियब, ना मिली तब वो हम ऐसे जियब। ऐसे दीदी बहनी भैया चाहे जे भी होए, चाचा दीदी मौसी चाहे जे भी होए, तो तुम लोग इतना तकलीफ मत उठावा लो और हमारे बारे में इतना ना सोचा लो। तुम लोग अपने बारे में सोचा लो और आजू बाजू एकदम सब घबरा ही जाता था तो मत इतना घबरा लो, टेंशन में मत रह लो, कमा लो खा लो जिए लो मस्त रह लो, दूसरा हो जिए दलो। तो चलो लो अब हम जाते हैं खाना खाएं और आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलब किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, बाय बाय।